नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार जाट यानी आर के बी और मैं हूँ इस वक्त आपके साथ कहाँ नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आप सब लोगों को। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रदीप जी आजकल जय सियाराम के बिना रहा नहीं जाता, तो जय सियाराम, जय सियाराम, सीधी बात है। और बड़ी अच्छी खबर है, खबर ये है कि भाई ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी स्ट्राइक बंद कर दी है। उनको कह दिया गया कि यार अभी तो कानून मतलब सिर्फ पास हुआ है, उसको कानून को लागू हुआ किया है, आप लोगों से बात किए बगैर कानून कैसे लागू होगा। तो अभी सबको बोल दिया गया कि जरा चुप हो जाओ। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो लंबी लंबी लाइन दिख रही थी पेट्रोल पंप के सामने वो सारी खत्म हो जाएंगी, आई होप। एंड नंबर टू, आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद द आउटरीच, द सदर्न आउटरीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। इफ यू नोटिस इन ऑल द फाइव सदर्न स्टेट्स बीजेपी डज नॉट हैव अ सिंगल गवर्नमेंट। कर्नाटक की सरकार जब से गई है उसके बाद पांच राज्य जो हैं दक्षिण के वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है। नाउ द पॉइंट इज इफ दे हैव टू ब्रेक द 400 सीट बैरियर दे हैव टू विन क्वाइट अ फ्यू सीट्स इन द साउथ। साउथ में एस्पेशली तमिलनाडु, सर्टनली कर्नाटका, इवन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश इज ईजी फॉर देम, इवन इन तेलंगाना, केरला इज वेरी डिफिकल्ट। बट दिस टाइम आई हैव हर्ड इन केरला, केरला में भारतीय जनता पार्टी हैज मेड ह्यूज इनरोड्स। आप तो पहले से ही बोल रहे हैं कि वहां पे आरएसएस आरएसएस इज वेरी स्ट्रांग है, आरएसएस इज वेरी स्ट्रांग देयर एंड यस मैनेज टू टच द एरवा कम्युनिटी, दे कॉल इट द ओबीसी कम्युनिटी, एंड दे आर ह्यूज नंबर्स एंड दे आर वेरी फाइनेंशियली वेरी साउंड, वेरी पावरफुल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। And that you mean just like the Lingayats in Calcutta, in Karnataka? Yes. It's more or less the same. They are very, the OBC community, a very strong community, and they are very cohesive together. They, whatever they do together. And so he's touched those people, and then he's also trying to woo 18% Christian votes out there. There's 18% Christian votes, which, whatever reason, he wants it along with the Hindu votes. So he's, जैसे आपने कहा कि massive outreach out there, a massive, and he's also trying to remind the Muslim woman that it is me who has got the triple talaq for you, and I have saved you from all the problems and sufferings that are always coming your way. Always coming your way from verbal triple talaq. Yes, sir. अरे साहब triple talaq किस किस चीज पे नहीं होता था? आप देखिए ना, फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ओ भाई साहब सुबह सुबह उठे तलाक 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 बोल दिया instead of saying hello to his wife. Oh, हो गया तलाक. I mean, it was awful. It was really and truly awful. He told the nurses, I rescued you from many of these states where the ISIS and all these... Yes. The Kerala nurses are very, very brave people. They went out to help in many of these places where there was ISIS ruled and Islamic state was powerful. And there also, Mr. Modi has been able to rescue them. He brought back all the nurses. Yes. Let's be very clear. He brought back all the nurses, all the doctors, all the other people who had been working in various places, including in Afghanistan, by the way, yes, and in Iraq and in Syria. No other government has had the impeccable record of the Modi government in rescuing our people abroad. There is no doubt about it. Yes. Let's. I think we have Mr. Sanjay Thakur with us of the Bharatiya Janata Party. Sanjay Thakur sahab, namaskar. Namaskar, sir. Namaskar. Sir, Jai Hind. Jai Hind, Jai Bhavani, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev, Jai Siyaram. जय जय सियाराम, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। अब क्या है सर, अब तो जय सियाराम कहे बगैर रहा ही नहीं जाता। मैं तो आपको एक 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 कन्फेशन आपको बोलता हूँ कि सर, जब हम लोगों ने फिल्म बनाई थी 1989 में, सबसे पहली फिल्म जो बनाई थी जैन स्टूडियोज के लिए, एट दैट टाइम आई वाज एडिटर ऑफ सूर्या मैगजीन एंड डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैन स्टूडियोज। उस वक्त फिल्म का नाम था प्राण जाहू पर वचन न जाहू, ये विश्व हिंदू परिषद के लिए बनाई गई थी। उसमें मेरी आवाज़ है, अभी भी आप सुन सकते हैं गलती से, और स्क्रिप्ट भी मेरा ही है। जॉय सेबेस्टियन साहब हमारे हुआ करते थे, उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई, बोथ ऑफ अस वर्क टुगेदर, आई गॉन टू अयोध्या एट दैट टाइम। आपको याद होगा जब आदरणीय सम्माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव साहब ने जो गोलियां बरसाई थी कार सेवकों के ऊपर, मैं उस वक्त किसी को यह विश्वास नहीं था, मुझे तो नहीं था कि यहां पर राम मंदिर बनेगा, कि हमारी लाइफ टाइम में बनेगा, हमारी जीवनी में राम मंदिर बन जाएगा। मुझे तो अभी भी कभी कभी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे चुंडी काटनी पड़ती है अपने को, यार ये असल में हो रहा है। बताइए संजय ठाकुर साहब, मतलब ये तो करिश्मा हो गया, मिरेकल हो गया ये तो, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है। संजय ठाकुर साहब आपको बिल्कुल ठीक लगता है, जो सत्य है वो सत्य है,
और इसके लिए प्रभु श्री राम की कृपा हुई जी। और प्रभु श्री राम की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसी शक्ति उसको प्रधानमंत्री बनना पड़ा जी। उन्होंने इस मैटर को उस तरह से परसू किया, दूसरे पक्ष के लोगों से भी बात की, सारे लोगों से बात की। और ये आश्चर्यजनक बात है कि मोदी जी की लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद, आपको याद होगा इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जब कोई भी काम होना होता है तो डर का वातावरण, डर का माहौल निर्माण करने की कोशिश करते हैं जी, हमेशा हमेशा हमेशा। फारूक अब्दुल्ला साहब कहेंगे 370 हटाओगे तो कश्मीर जल जाएगा। अरे जल जाएगा नहीं, खून की नदियां बहेंगी, देखते हैं खून की नदियां बहेंगी। और हाल ही में भी बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, मीन्स एक खतरनाक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि क्या आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या 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 ये गाजा पट्टी में तब्दील हो जाएगा कश्मीर जो है, अगर पाकिस्तान से बात नहीं करोगे। पाकिस्तान तेरा चाचा लगता है, थे चले जाए यार, क्या है, हम तो बस पंजाबी में बोलेंगे ना, सीधी सीधी बात है क्या है? बस जैसे मोदी जी कहते हैं कि भैया हम तो भारत देश के लिए काम कर रहे हैं और भारत देश के लिए काम करते रहेंगे हमेशा, और जिसको पसंद ना हो वो जाके अपनी भैंस चराए। फारूक अब्दुल्ला साहब को बोलना चाहिए जाके अपनी भैंस चराओ ना यार, क्या कर रहे हो तुम, अब तो उनको वैसे भी जा रहा है रिटायर हो जाना चाहिए उनको वैसे भी, जहां तक मैं समझता हूँ जी। संजय ठाकुर साहब, आप तो छोड़ दो, कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा डर का माहौल पैदा करते हैं, आप कुछ बोल रहे थे जी, बताएं। ये हमेशा राम मंदिर की भी बात थी तो भी इस तरह से लोगों ने कहा है, अभी भी इस देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो अभी भी ये कहती हैं कि हम तो मस्जिद ही समझते हैं। तो इस तरह से इस देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास लगातार चलते रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आज का नेतृत्व है उसका पॉलिटिकल विल पावर इतना स्ट्रांग है, वो जानते हैं जी कि अगर इस देश के लोगों को आप पक्षपात नहीं करोगे तो देश के दूसरे लोगों को इस चंद मुट्ठी भर लोगों की इन बातों से कोई सरोकार नहीं है जी। न खून की नदियां बहाने में उनका कोई इंटरेस्ट है, न ही आग लगाने में इंटरेस्ट है, न ही कोई दंगा कराने में इंटरेस्ट है। लेकिन बार बार विरोधी पक्ष के लोग इस तरह की स्थितियों को निर्माण करके देश में एक खराब वातावरण पैदा करना चाहते हैं जी। लेकिन तारीफ करनी होगी पूरे देश को अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस देश में हर वर्ग, हर कम्युनिटी, हर जात, हर जमात, हर मजहब के लोगों के साथ लगातार संपर्क साधा हुआ है, संवाद साधा हुआ है और उनकी पीड़ा को, उनकी बातों को अपनी पीड़ा, अपनी बात समझ के बात करते हैं। और इसीलिए देश में इस तरह का माहौल बना। और ये तो बिल्कुल असंभव जैसा है, लेकिन बजाज साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ये असंभव कभी नहीं था। अरे सर छोड़िए ना, मेरा मुंह मत खुलाओ। अरे संजय ठाकुर साहब छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं, अभी तो हो गया तो इसलिए कह रहे हैं हमारे लिए असंभव नहीं था। अरे सर हम बिल्कुल साथ में थे हर जगह पे, क्या कर रहे हो सर, हर जगह पे कह रहा हूँ। 12 नंबर सर, 12 अशोक रोड पे दिल्ली में, ना जाने इस पे 100-150 मीटिंग मैंने खुद ने अटेंड करी है। किसी को विश्वास नहीं होता था। मेरा मुंह मत खुलवाओ ना। अरे कोई मेहनत कर रहा था। बजाज साहब जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल अविश्वसनीय। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का स्वप्न कभी छोड़ा नहीं। ये कभी छोड़ा, ये दुरुस्त बात। अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनसंघ के वक्त से 1954 से अभी से नहीं, मैं मानता हूँ। मैं यही कहना चाह रहा था जी। देखिए साहब, आपके 3 स्तंभ थे, 3 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 3 स्तंभ दिए, जो कैरी ओवर किए गए भारतीय जनता पार्टी में 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, वो थे एक तो राम मंदिर, दूसरा आर्टिकल 370 का रिपील, आर्टिकल 370 एंड 35A का रिपील, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब 2 तो हो गए, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी, उसके लिए मेहनत चल रही है, सब कुछ चल रहा है सारे स्टेट्स की। अब वो दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। लेकिन अभी जैसे प्रदीप जी बोल रहे थे बिफोर वी केम टू यू के अभी अभी नरेंद्र मोदी जी साउथ में हैं, दक्षिण में हैं, तमिलनाडु में थे, व्हाट अ लवली मीटिंग, दैट वाज रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। अभी केरल में, केरल में जो उन्होंने कहा सबसे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने वर्बल ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाई और उसको क्रिमिनल एक्ट करार दिया, तो ये आउटरीच जो है
सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए भी है और मुसलमानों के लिए भी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप सर? नहीं देखिए बजाज साहब, मैं यही कह रहा हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोई भी काम होता है वो हमेशा देश हित और जनहित के लिए होता है। जब उन्होंने ट्रिपल तलाक पे वो एक्शन लिया तो इस देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी उनके तलाक के ही खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी उनके जो धार्मिक मानताएं हैं और उनकी जो मैरिज एक्ट में जिस तरह की तलाक की व्यवस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई तलाक के खिलाफ नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफा हमारी माताओं और बहनों के साथ अन्याय हो रहा था कि कोई नशे की हालत में तलाक तलाक बोल देगा, कोई SMS कर देगा तलाक तलाक बोल दे देगा, कोई व्हाट्सएप पे तलाक 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 लिख देगा और तलाक हो जाएगा, और ये दर्द ये था कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे रहा था वो दर्द उसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो पत्नी जरूर किसी की बेटी, वो महिला जरूर किसी की बेटी और किसी की बहन होती थी, और जिसका उस तरीके से तलाक होता था उसका भाई, उसका पिता और उसका परिवार पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता था, और यही वजह है कि इस पे इतना स्पॉन्टेनियस जो रिस्पॉन्स हुआ मुस्लिम समाज की तरफ से, हमारी बहनें आगे आई, वो परिवार आगे आए, और वो आने के बाद से जब इस तरह की घटनाएं हुई तो लोग पुलिस स्टेशन तक गए, अपनी तकरार दर्ज कराई, और उस पे जिस तरह से प्रॉम्प्टली एक्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और दूसरी सरकारों को भी, अब तो चूंकि कानूनी वाद देता है गलत तरीके से होगा तो उस पे एक्शन होना ही पड़ेगा, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस साहसिक कदम के लिए बिल्कुल धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उसका इतना अच्छा रिजल्ट है हमारी मुस्लिम बहनों में, मुस्लिम परिवारों में, उसका एक अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। लेकिन संजय ठाकुर साहब, यहां पर सबसे बड़ी बात यह बनती है कि वर्बल ट्रिपल तलाक इज इलीगल इवन अकॉर्डिंग टू द होली कुरान। कुरान शरीफ के मुताबिक भी वर्बल ट्रिपल तलाक इज नॉट अलाउड। 27 मुस्लिम देशों में इट इज कंप्लीटली बैंड है। उसके बावजूद यहां पर हमारे बहुत मित्र हैं, अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े मित्र हैं, जो ये कह रहे थे कि देखिए मुसलमान पर्सनल लॉ में इनकी इंटरफेरेंस है, अगले दिन ये आपको दाढ़ी रखने से भी मना कर देंगे, टोपी पहनने से भी मना कर देंगे, नमाज से भी मना कर देंगे। अब उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि इसी तरह से ये लोग इस देश को गुमराह करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि इतने जो कट्टर मुस्लिम राष्ट्र हैं, जब उन राष्ट्रों में भी ये वर्बल ट्रिपल तलाक की कोई मान्यता नहीं है, वहां पे बैन है, तो भारतवर्ष में ये क्यों चाहिए इन लोगों को? क्यों ये भ्रम फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्लाम के खिलाफ है? वो इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, और ये इस्लामिक जो दुनिया के दूसरे देश है वो इस बात को समझते हैं, इसीलिए इस्लामिक देशों के जो झंडा बरदार लोग हैं उन लोगों ने अपने यहाँ के जो बड़े बड़े सम्मान हैं वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुला के गले लगा के उन लोगों ने वो सम्मान दिया है। पर ठाकुर साहब, मेन चीज ये है कि इस्लामिक तो ठीक है, हमारे जो सरस्वती पे बोलना, ये तो कुछ लोग इस्लामिक से कोई ताल्लुकात नहीं है, सनातन धर्म को किस तरफ से बदनाम करना, मलेरिया डेंगू से कंपेयर करना, आज नरेंद्र मोदी जी ने केरल में यही याद दिला दिया, इंडिया अलायंस का एक ही काम है आजकल कि हमारे हर्ट सेंटीमेंट्स को होल्ड करो, सनातन धर्म के सेंटीमेंट्स को होल्ड करो। राम नगरी में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे 550 साल के बाद, राम जन्मभूमि पुनर्निर्माण प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी 12:22 और ये करते करते 15,500 करोड़ अयोध्या में इन्वेस्टमेंट अनाउंस करने के बाद सीधे गए जो अपने उज्ज्वला योजना के जो बहन है मीरा मांझी, उनके घर पे जाके चाय पीना, और ये एक तरफ, और जो आलोचना सनातन धर्म को आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग, राहुल गांधी जी कहते कि लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लोगों से नहीं मिलते, तो ये आप कैसे दोनों को इवैल्यूएट कर दो, ये इंडिया अलायंस, राहुल गांधी जी का आरोप और मोदी जी का करनी? देखिए नामबियार साहब, ये जो खानदानी लोग हैं जिन्होंने भारतवर्ष को अपनी रियासत और विरासत समझ रखी थी, उन लोगों को गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बन गया है तो उन लोगों को ये बात हजम होती ही नहीं है, उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। एक चमत्कारिक व्यक्तित्व जिसका भारतवर्ष में, जिसके शासन का उदय 2014 में जब हुआ, तब से लेके आज तक ये लोग किसी प्रकार की गाली
छोड़ी नहीं है इन लोगों ने, हर तरह की गाली देते आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन देखिए उस शख्सियत को, उस व्यक्तित्व को कि जिसको ये लोगों ने अपनी सरकार रहते हुए मुख्यमंत्री के तौर पे घंटों ईडी और सीबीआई की जांच कराई, और वो व्यक्तित्व तो कब चुपके से गया और वो सारी मुसीबतों को फेस करके आया, जबकि उनके पास इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम थी कि वो भी इन लोगों की तरह नौटंकी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि वो इन चीजों में विश्वास ही नहीं करते हैं। अब ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों ने लगातार सालों साल साढ़े छह दशक तक जिस तरह से भारतवर्ष को लूटा है, इन लोगों के मन में क्यों कभी नहीं आया कि गरीब की माँ जब रोटी बनाती है अपने बच्चे के लिए, उसकी आंख में आंसू और धुआं भर के उसकी आंख खराब हो जा रही है, इन लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आई कि हमारी गरीब बहन बेटियां जो प्राकृतिक क्रियाओं के लिए शौच के लिए भी जाते समय सुरक्षित नहीं है। ये बात तो किसी गरीब के बेटे को ही समझ में आ सकती थी ना, और जब गरीब के बेटे ने वो किया तो इस देश के लोगों ने खुल के अपना प्रेम लुटाना शुरू किया उस गरीब माँ के बेटे पर, और वो गरीब माँ का बेटा इन लोगों के दुख दर्द को ही अपना कर्म और अपना सब कुछ समझ के इनकी सेवा में लिप्त हुआ, तो इन लोगों की जड़ें हिल गई। ये समझ गए कि अब कोई खैर नहीं है, ये तो जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से काम चलते रहेगा तो इन लोगों की राजनीति नेस्तनाबूद हो जाएगी। ठाकुर साहब, आज मोदी साहब ने केरल में गिनाए, बोले कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कैसे नारी शक्ति को शक्तिकरण जिस प्रकार से हमने पहुंचाया है, नारी को 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, आज मोदी साहब का 11 करोड़ पाइप से कनेक्शन, 12 करोड़ शौचालय जो आप बोल रहे थे, 12 करोड़ शौचालय, सैनिटरी पैड्स 1 रुपए में हमने महिलाओं को दे दिए, महिला 60 लाख जो केरल के महिला है उनको ओपन बैंक अकाउंट खोलने में सरकार ने मदद किया, मैटरनिटी लीव जो महिलाओं का है 26 वीक्स तक कर दिया, और ये सब मोदी साहब गिना रहे हैं। मगर शरद पवार जी हाल ही में कहा कि शरद पवार जी राम मंदिर में इतना टाइम डिवोट कर रहे हो, इसका मतलब है आपके पास 2024 में इलेक्शंस के लिए कोई मुद्दा नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड कुछ नहीं है। सैम पिट्रोडा जी बोलते प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत टाइम ले रहे, ओवरसीज कांग्रेस चीफ कह रहे कि बहुत वक्त डेवलपमेंट में डालना चाहिए था, तो ये कैसे आप देखते हो? शरद पवार, सैम पिट्रोडा जी, प्रियंका खड़गे बोले कि मंदिर बना रहे हो, मंदिर तो बना रहे हो, राम राज कभी लेके आओगे? हाउ डू यू सी दिस ठाकुर साहब? डेवलपमेंट एक तरफ, मोदी साहब बिना रिपोर्ट कार्ड है और ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हरि लीना, ये नास्तिक लोग, ये तो ऐसे ही देखेंगे आप, इनका सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि इनकी विचारधारा ऐसी है। अभी आप एक चीज बताना भूल गए, अभी अभी एक नया संकल्प लिया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि बहुत जल्द हमारी 2 करोड़ माताओं और बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य भी उन्होंने हम लोगों के सामने रख दिया है, और ये संकल्प के साथ रख दिया है कि ये मेरा संकल्प है और बहुत जल्दी मैं 2 करोड़ अपनी माताओं बहनों को लखपति बनाकर उनका सशक्तिकरण सक्षमीकरण करूंगा, ताकि उनको छोटी छोटी चीजों के लिए अपने बच्चों की 200 रुपए की दवा के लिए किसी की तरफ नजर उठा के देखना ना पड़े, 2000 का इलाज कराना हो तो उनको अपनी जमीन गिरवी ना रखना पड़े, उनको अपने सोने और गहने जाके साहूकार के यहाँ गिरवी ना रखने पड़े। तो ये जो लक्ष्य है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, इस लक्ष्य के घबराए हुए लोग उलझुल बात कर रहे हैं, और मैं पवार साहब के बारे में तो क्या कहूं, दुनिया जानती है वो नास्तिक है, उनकी भगवान में कोई आस्था है ही नहीं, तो उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस देश की जनता जरूर उनको और स्वयं महाराष्ट्र की जनता आदरणीय पवार साहब को जरूर इस बात का जवाब देगा कि क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, क्यों कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, और उसका परिणाम क्या हुआ, वो आने वाले 6 महीने में शरद पवार जी को बखूबी समझ में आ जाएगा। ठाकुर साहब, शरद पवार जी ने आगे जाकर यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर पूर्व पहले मनमोहन सिंह जी MMS बोले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी किसान से बहुत बेहद प्यार करता था। पवार साहब का कहना है, बोले पवार साहब अमरावती में सुइसाइड केसेस हो गए तो मनमोहन सिंह जी सीधे अमरावती में आए और किसान के साथ झुल गए, उनके घटनाओं को दबाए, कुछ सोच विचार करके शरद पवार जी के साथ मिलके जो 72,000 करोड़ है, 72,000 करोड़ किसान कर्ज माफी, वो मनमोहन सिंह जी और शरद पवार जी साथ में मिलके, तो जितना उनका आलोचना शायद मोदी जी पे कर रहे थे कि जितना मनमोहन सिंह के दिल में किसानों के लिए वेदना थी शायद आज के प्रधानमंत्री को नहीं है।
आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो ठाकुर साहब? नरेंद्र मोदी जी की संवेदनाओं के बारे में वो कितने संवेदनशील हैं, इसके बारे में शरद पवार जी कुछ भी कहें इस देश का कोई इंसान मानेगा नहीं। ये वही शरद पवार जी हैं यूपीए के शासन में, उसी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री तो काल में नामबियार साहब, बजाज साहब, फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, इस देश में अनाज सड़ रहा था, और जब इनसे कहा गया कि इस देश के लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है अनाज, तो इन्होंने कहा अनाज तो हमारे पास बहुत है लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोई सिस्टम नहीं है। और जब दुनिया कोविड से जूझ रही थी, महाराष्ट्र में रोजमर्रा काम करके अपना पेट भरने वाले लोग भूखों मर रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र शासन की तरफ से जब पीडीएफ सिस्टम के तहत इन लोगों को बांटने के लिए वहां से राशन की व्यवस्था की, तो यहाँ की इसी शरद पवार की अगुवाई में इनके चट्टे बट्टे सरकार चला रहे थे और कह दिया गया कि पहले आप जो यहाँ की राशनिंग स्कीम है उसका राशन आप खरीद लीजिए, उसके बाद केंद्र सरकार से आया हुआ राशन आपको दिया जाएगा। ये लोग गरीब लोगों की मौत पे राजनीति करने वाले लोग, इनको ये समझ में नहीं आती कि डेहरी मजदूर, रोज रिक्शा चला के, रोज टैक्सी चला के पेट भरने वाला आदमी, रोज खोमचा लगाने वाला आदमी, रोज सड़क पे वेंडिंग करके पैसा कमा के खाने वाला आदमी, अगर उसके पास पैसे होते तो आपके राशन की जरूरत क्या थी? उसको मुफ्त में दिया गया राशन अपने घर में रख के कह रहे हैं कि पहले राशनिंग सिस्टम से जो राशन मिल रहा है वो खरीदिए, उसके बाद दिया जाएगा। तो ये संवेदनहीन लोग, ये लोगों की मौत पे राजनीति करने वाले लोग, अगर नरेंद्र मोदी जी को संवेदनहीन कहते हैं तो कौन विश्वास करेगा इनकी बातों पे? न ये देश विश्वास करेगा, न महाराष्ट्र के लोग विश्वास करेंगे। और दूसरी चीज है, आदरणीय सम्माननीय हमारे बड़े अच्छे मित्र असदुद्दीन ओवैसी साहब, AIMIM के आपके भी बड़े अच्छे मित्र हैं वो, उन्होंने कहा है कि जितने भी मुसलमान युवा हैं उन सबको कहा है कि भाई मस्जिद को वीरान मत छोड़िए, हर रोज मस्जिद में जाइए, नमाज पढ़िए। मस्जिद को वीरान छोड़ने का मतलब है कि ये लोग आ जाएंगे उसको भी तोड़ देंगे। क्या कहेंगे सर इसके बाद आप? सर ऐसा है कि कांग्रेस ने भिंडरावाला पाला था बजाज साहब जी, वो हमारे मित्र हो नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी के लोग भिंडरावाला नहीं पाल। रही बात असदुद्दीन ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी तो रोज जहर घोलने का प्रयास कर ही रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोगों को भी हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं जिनकी नीयत और जिनकी नीति के बारे में हम जानते हैं। ये जो है ये नवाबों की औलादें, इनको भी मुफ्तखोरी की आदत थी, इनको भी पूरा हैदराबाद अपना ही समझ में आता था। अब इनको ये पता है कि भारत देश और भारत देश का नौजवान जिस तरह से चल रहा है, भारत की राजनीतिक नेतृत्व जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उस तरह से आने वाले समय में ये जो पारिवारिक तरह के लोग हैं जो राजनीति का झंडा लेके अपनी अपनी दुकान लगा के बैठे थे, इन लोगों की दुकानें हो रही हैं बंद, तो दुकान बंद होने का डर और वो तड़प इनको कुछ भी करने के लिए और कुछ भी बोलने के लिए मजबूर करती है। ये नॉन सीरियस और गलीज लोग हैं, ऐसे लोगों पे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि आपके सबसे बड़े अलाई यही हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब। कांग्रेस जहां पर भी कांग्रेस को हरवाना होता है, जहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है कांग्रेस का या ऑपोजिशन का, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, वोट डिवाइड हो जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। सर तो बजाज साहब पूरे केंद्र सरकार में और देश की पार्लियामेंट में कितनी सीट है राहुल गांधी की, बना लेना। हम तो कह रहे हैं आप असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करके दे दो 100 सीटों, आ जाएंगे आपके साथ लड़ने के लिए चुनाव, उनको भी साथ में लड़के लेके देख लो। लेकिन ऐसे भी तो तुम देने ही वाले हो, उनकी लॉयल्टी आपकी तरफ है सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब की लॉयल्टी आपकी तरफ है। नहीं नहीं, ये तो हमारे विपक्ष के जो लोग हैं उनका तो ये आरोप रहता ही है, पहले केजरीवाल हमारी तरफ थे, अब असदुद्दीन ओवैसी हमारी तरफ हो गए। केजरीवाल तो संघ के हैं, ये तो मैं मान के चलता हूँ। उनका असल में जो उनका पूरा, जो अगर आप देखें दीनदयाल उपाध्याय जी का पूरा जो फलसफा है वो ये अरविंद केजरीवाल जी उसके बारे में जरूर बोलते हैं और ये कहते हैं कि मैं उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, भले नाम ना लें, लेकिन वो अलहदा बात हो गई, वो चर्चा वो फिर चर्चा जो है कहीं और चली जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आज की तारीख में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा 22 जनवरी को 11:22 पे या 11:20 और 21 मिनट के बीच में, 12:20 या 21 मिनट के बीच में, जी हाँ।
और ये मुहूर्त जो है, जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि ये मुहूर्त जो है वो तो श्री राम जी ने निकाला है, ये मुहूर्त जो है इससे ज्यादा अच्छा मुहूर्त पिछले 1000 साल में नहीं आया कभी, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरा ये कहना है उसके बाद क्या, उसके बाद आगे प्रोग्राम क्या है सर, वो जरा बताएं। एक बार मुहूर्त हो जाएगा उसके बाद क्या? संजय ठाकुर साहब देखिए ऐसा है कि ये भगवान राम इस देश की आस्था है जी, बजाज साहब जी, और आज पूरे देश में हर्ष और खुशी का माहौल है, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई, आप जानते हैं ये कितनी लंबी लड़ाई है और कितना कितना दुखद, 496 साल की लड़ाई है सर, 500 साल तो हो गए, 500 साल ही कहना पड़ेगा। अमित शाह जी मगर 550 साल बोलते हैं, नहीं क्योंकि 50 साल पहले आ गए थे ना बाबर यहाँ पे, 50 साल पहले आ गए जी जी। ये तो अब ये इस खुशी के माहौल में हम तो देखिए, भगवान तो स्वयं भगवान है, कण कण में विराजमान है, संसार ही उनका है जी, वो तो नियत हम लोगों की देख रहे थे ना, कि एक एक बात है बजाज साहब, धर्मो रक्षत रक्षिता, जो अपने धर्म की भी रक्षा न कर सके उनकी रक्षा कौन करेगा? भगवान तो अपना सब कुछ कर सकते हैं। आप बताइए कि वो भगवान जो पैदा होते ही जिनकी जेल की सारी बेड़ियां टूट जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं और वो कंस की नगरी से निकल के बाहर चले जाते हैं, वो भगवान जो बचपन में ही पूतना का विषपान कर लेते हैं और पूतना का संहार कर देते हैं, वो भगवान अपने लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? प्रश्न ये नहीं है कि क्या होगा, मंगल तो हो ही रहा है, भगवान यहाँ हम लोगों की सनातन परंपरा में विराजमान है ही, इसीलिए हजारों साल की सनातन परंपरा। अगर आज मैं धर्म और धार्मिक बात करूं तो जो धर्म के इतिहास है वो क्रिश्चियनिटी का इतिहास 2000 साल का, वो इस्लाम का लिखा हुआ इतिहास 1400 साल का ही है, जबकि जो आखिरी बार लेटेस्ट प्रसारण हुआ हमारा, वो तो जो सबसे नजदीक है वो 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने वो प्रसारण किया है जी। तो कोई बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी जी बजाज साहब, वो तो है ही, उनका आशीर्वाद उनकी कृपा तो है ही, जो भारतवर्ष और भारतवर्ष की सनातन परंपरा, कहने के लिए भारत में सनातन परंपरा है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो पूरी दुनिया के देश में भी जिस किसी देश में भारतीय लोग गए हैं, सनातनी लोग गए हैं, वो वहां पे अग्रणी स्थान है, वो साइंटिस्ट बड़े हैं, ये टेक्नोक्रेट बड़े हैं, वो बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बड़े से बड़े। ठाकुर साहब 14 जनवरी को मगर सबसे बड़ा चैलेंज है आपको चैलेंज ये है कि राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से लेके महाराष्ट्र मुंबई तक एक जबरदस्त तरीके से, उन्होंने कहा कि जिस है तैयार हम, नागपुर सेशन में उनका एक ही स्टेटमेंट था कि है तैयार हम, हर गली हर गांव हर शहर में बनाएंगे प्यार और मोहब्बत के दुकान और नफरत के राजनीति का हम मुकाबला करेंगे, मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी और जुमले से आजादी 14 तारीख को है मगर प्राण प्रतिष्ठान 22 तारीख को है, एक चैलेंज है ठाकुर साहब आपको? कब है? 14 जनवरी 2032 की बात कर रहे हैं? अरे भाई नहीं, ये क्या करेंगे, इतना मत कहो कि कांग्रेस ये अपनी बहन से तो मोर्चा ले नहीं पा रहे हैं, ये बहन को लाते हैं फिर बहन को निकालते हैं, पता ही नहीं आपको, अभी प्रियंका गांधी को निकाल दिया, सारे पदभार से मुक्त कर दिया, अब उनको ये राहुल गांधी, इनका माइंडसेट क्या है अभी तक मैं समझ नहीं पाया, मुझे कई बार लगता है कि ये स्थिर है ही नहीं, ये अस्थिर हैं, ये खुद नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है कि ये क्या करने वाले हैं, और इस तरह से न जाने कितने लोग आए राजनीति में, अभी भी कितने साल हो गए इनको राजनीति में आके, नाम्बियार साहब कितने साल हो गए इनको राजनीति में आके, लेकिन अभी तक राजनीति की ABCD भी ये ठीक से नहीं जानते, मैं ये कह सकता हूं, अगर इनको राजनीति की जरा भी समझ होती तो ये जो नकली जनेऊ पहन के घूमते हैं ना, जब जब चुनाव आता है तो मंदिर पर्यटन इनका शुरू हो जाता है, इनसे बताइए कि अभी तक राम मंदिर उद्घाटन पे, राम मंदिर मुहूर्त पे और वहां पे प्राण प्रतिष्ठान पे अभी तक इनका क्या स्टैंड है, यही क्लियर नहीं कह सकते हैं। ये राम को काल्पनिक कहने वाले लोग हैं, ये राम सेतु को नकारने वाले लोग हैं, असल में ये रावण के वंशज हैं सब, ये समय समय पे भेष बदलते रहते हैं और भेष बदल के रावण की तरह आते हैं और जब फेल हो जाते हैं
तब अपना असली चेहरा दिखा देते हैं, तो मैं और कोई नहीं, इनको यही रावण के परिवार का, रावण के खानदान का ही एक बहुरूपिया समझता हूँ, जो अभी एक नया रूप पकड़ा इन्होंने और यात्रा वात्रा करने की बात कर रहे। रावण भी तो महाब्राह्मण थे, कैकसी और वैश्रवा के पुत्र थे, उनका भी तो परिवार ब्राह्मण परिवार था। बजाज साहब वो तो पतित हो गए ना, रावण से बड़ा प्रकांड पंडित ही नहीं होता अगर दूसरे की पत्नी को चुराने का साहस न किया होता। वाली से बड़ा कोई राजा और महावीर ही न होता अगर उसने भाई की पत्नी न चुराई होती। उसकी ऐसे अनेकों उदाहरण है। पत्नी थी, खुद की पत्नी थी जो भाई ने चुराई, फिर उन्होंने वापस ले ली। खैर वो बड़ा अलग हो जाएगा सब्जेक्ट सर। तारा का ब्याह जो है पहले बाली के साथ हुआ था, छोड़ना सर। लेकिन जहां तक रावण के वंशज का प्रश्न है, ये तो आप बहुत बड़ी उपाधि दे रहे हैं सर, संजय ठाकुर साहब। नहीं मैं सीना ठोक के कह रहा हूं। आप बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को। नहीं नहीं, जैसे बहुरूपीय ब्राह्मण वो थे बजाज साहब, कह तो रहा हूं वैसे ही बहुरूपीय ब्राह्मण ये लोग भी हैं। रावण मैंने वंशज का नाम लिया, औलादे तो ये खरदूषण की भी होने लायक नहीं है सर। मगर मोदी जी के गारंटी है, गारंटी देने वाले गारंटी। मोदी जी छाती थोक कर सब जगह काम, मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो निभाए हैं। राहुल गांधी, अब यह है कि 2024 मोदी जी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी, ये मोदी राहुल गांधी जी और कांग्रेस का कहना है। देखो कर्नाटक में भी हमने जो बोला वो वादा पूरा कर दिया है, 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स को जीरो बिल मिला है, 2023 का सबसे बड़ा उपलब्धि कांग्रेस का है। क्या ये तो नकार नहीं पाएंगे संजय ठाकुर साहब? ये तो बहुत बार टक्कर होगा कि मोदी आखिरी उम्मीद है, ये आखिरी उम्मीद है उनकी। ये प्रलोभन देख के उनको ये लग रहा है, अरे भाई ऐसा है ना कि जो आपने कहा दुनिया भर की छूटे दी थी, वो तो सरकार बनने के बाद कर्नाटक में कुछ कर नहीं पाए। अभी ये जो नया दे रहे हैं आप, क्योंकि आपको 2024 का चुनाव दिख रहा है। मैं कह तो रहा हूँ कि ये बहुरूपीय हैं, भेष बदल के आते हैं, इस तरह का ही प्रोग्राम लाते हैं, और जब इनकी हवा निकल जाती है तो उस प्रोग्राम को डब्बे में डाल देते हैं। राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जी से आप कैसे तुलना कर सकते हैं नामवियार साहब? राहुल गांधी को तो मुझे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे चिंटू सिपाही होगा ना, वो भी राहुल गांधी से ज्यादा बुद्धिमान। नरेंद्र मोदी जी की बात कहां कर रहे हैं आप? राहुल गांधी की तुलना आप नरेंद्र मोदी जी से कैसे कर सकते? लेकिन यहां पर कांग्रेस का ही कांग्रेस कांग्रेस कहते हैं, मैं कहां कर रहा हूं, मैं तो बोले कांग्रेस बोल रहे हैं इसे। नहीं तो कांग्रेस तो मुंगेरी लाल के सपने देखती ही रहती है ना, कांग्रेस तो देखती है मुंगेरी लाल के सपने, उसको देख। संजय ठाकुर जी ये तो जरा अनफेयर हो गया। संजय ठाकुर जी ऐसा मत कीजिए, क्या है आप जैसे इतने मजे हुए व्यक्ति, इतने समझदार व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं। कांग्रेस के लोग भी आपके बारे में ऐसी बात करते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषण दिया था कि आज जो आप हम पर हंस रहे हैं एक दिन हम आप पर हंसेंगे, तब यही शब्दावली का प्रयोग किया गया था कांग्रेस की तरफ से, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सर ऐसा मत कीजिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। दे आर योर पोलिटिकल ओपोनेंट्स, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, बार बार कांग्रेस की तरफ से ये एक क्रिटिसिज्म आता है मोदी जी के खिलाफ कि अभी तक उनको वक्त नहीं मिला मणिपुर जाने का, और मणिपुर में अभी भी स्थिति जो है वो स्थिर नहीं हुई है। उस विषय में क्या कहेंगे जरा बताएं प्लीज। बजाज साहब आपके इसी चैनल पे हम लोग कई बार मणिपुर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। इतने सालों साल कांग्रेस वहां सत्ता में रही, और जो ड्रग्स का नेटवर्क जिस तरह से इन्होंने फैलाया है, और वहां के पूरे सिस्टम को जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये गए भी वहां क्यों दौड़ के? इसीलिए गए ये लोग। कल क्या इनके टूल किट कितने हैं बजाज साहब? पंजाब में क्या हुआ प्रधानमंत्री गए तो? इनकी इच्छा क्या है? ये लोग वही चाहते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करेगी। ये लोग उकसाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जान को हथेली पे लेके घूमते हैं। कलकत्ता में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है आप जानते हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए कि देश के गृहमंत्री अभी कुछ दिनों पहले मोटरसाइकिल पे बैठ के वेन्यू पे चले गए बिना किसी सुरक्षा के। भारतीय जनता पार्टी
इस बात की परवाह ही नहीं करती है कि हमारा क्या हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते हैं कि संसार में आए हो तो एक दिन जाना है, और जिस दिन जाना है वह दिन तय है, उसके पहले तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस देश में अगर माहौल खराब करने की, ये लोग अपनी सारी कोशिशें करके हार चुके, इनके पास अब कुछ बचा नहीं। ये लोग कोई अनहोनी करने की फिराक में आज भी हैं। ये चाहते हैं कि कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जिससे देश का माहौल इतना खराब हो जाए, इतनी अफरा तफरी हो जाए कि देश एक बार फिर से जो है बिखर जाए। क्योंकि इनको दर्द हो रहा है कि जो भारत 19, 20, 25 नंबर पे भी नहीं था, वो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है। इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि जिस भारत में एक पैसे की कोई चीज नहीं बनती थी, वो मेक इन इंडिया के माध्यम से कम 300 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा हुआ है। So that I think is very unfair. संजय ठाकुर साहब, आत्मनिर्भरता का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड इन इंडिया वे बैक इन 1950, और उसके पहले भी यहाँ पे टाटा हुआ करते थे, बिरला हुआ करते थे, बाकी सब लोग थे यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लोग इन्वॉल्व थे। ऐसा मत कहिए, ये नहीं है कि सिर्फ 2014 के बाद ही हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। मैंने ऐसा कहा ही नहीं बजा साहब। 1947 में यहाँ पर एक सुई भी नहीं बनती थी, उसके बाद यहाँ पर एक बेस बनाई गई। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि हर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर देश की सेवा करने की जरूरत की है, जो हर प्रधानमंत्री कार्यरत रहा है देश की सेवा करने में। अपने तरीके से करिए, हो सकता है कि तरीका उनका गलत हो सकता है कि तरीका उनका इतना ज्यादा कारगर ना हो, लेकिन ये कहना कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, आई थिंक दैट्स अ बिट अनफेयर। बट बीजेपी जुड़े सर, बीजेपी उनका स्टेटमेंट है आज कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली, द सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोबाइल्स, एंड द मार्केट शेयर इन 2022 हैज गॉन टू 98%। आई मीन 98% इज ह्यूज। दैट्स राइट, द मोबाइल्स आर मेकिंग दैट इज बिकॉज़ ऑल द That is because all the manufacturing from China is now shifting over to India. So, Thakur sahab, make in India success hai. 100% success hai. मैं किसी दूसरे प्रधानमंत्री की बुराई नहीं कर रहा था बजाज साहब, मैं अपने प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिना रहा था सर। जी। ये आप उसको वैसे दे, मैं अपने प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिना रहा था, मैंने किसी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहा ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये वही लोग हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लेके आए, और जब उन्होंने कहा तो ये बात आपसे छुपी नहीं है कि इस देश की विरोधी पक्ष और इन विरोधी पार्टियों ने उसका कैसे मखौल उड़ाया था, कैसे मजाक उड़ाया था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत 11 अरब डॉलर का निर्यात कर रहे हैं हम बजाज साहब जी। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं अपने प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिना रहा हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की बुराई नहीं कर रहा हूं। एंड द अदर थिंग आल्सो इज व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग बाय द वे, India has now become a net exporter of defense equipment, which, by the way, is one of the biggest achievements, at least of the last 9 years. पिछले 9 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि defense equipment के हम सबसे बड़े importer, exporter बन गए हैं। We have now become exporters of defense equipment, which is fantastic, and everybody is bidding for the BrahMos missile. Yes, the war is on and. यही दर्द है बजाज साहब, यही दर्द है इस देश के लोगों के सामने। हम लोग यही बात रखना चाहते हैं कि जो चीजें 9 साल में हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो चीजें 65-67 साल तक राज करने वाले लोग क्यों नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो जो एक्शन टेकिंग प्लान था उसमें कोई ना कोई तो त्रुटि रही होगी ना सर। एक्शन टेकन था क्या, जहां तक डिफेंस इक्विपमेंट का सवाल है, कोई एक्शन ही नहीं था। एंटनी साहब तो कोई फाइल पर सही नहीं करते थे, बनाना तो दूर की, खरीदने को तैयार नहीं थे। नहीं तो सर, 2 साल तक उन्होंने एक भी फाइल पास नहीं करी, क्या बात कर रहे हो। वो इसलिए नहीं करी कि संजय भंडारी जैसा लॉबिंग कर रहा था, और वो नहीं चाहते थे कि ये दलाली हो जाए और मुझ पे आरोप लग जाए, क्योंकि एंटनी तो वो है ना जिन्होंने 20 साल पहले कांग्रेस को बताया था कि भाई सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाओ, लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश के माइनॉरिटीज का है। तो मैं एंटनी की बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में बुद्धिमान लोग नहीं है, कुछ एक बुद्धिमान लोग हैं, वो कांग्रेस में नहीं कुछ करके भी इस देश की कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे थे। राइट, थैंक यू सो मच संजय ठाकुर साहब, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। और 22 जनवरी को आप जा रहे हैं सर, आप अयोध्या में रहेंगे या नहीं? नहीं नहीं सर, हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोगों को आदेश ही नहीं है। असल में अयोध्या में जो तैयारियां हैं, जो सिस्टम है, बहुत सिस्टमेटिक काम चल रहा है जी। और जिनको जाना है उन्हीं को जाना है,
हम लोगों को यहाँ अपने घरों पे रहकर दिया जलाना है और मंदिरों में पूजा करना है। क्या श्री राम ज्योति जलाएंगे आप, श्री राम। क्या बात है साहब, क्या बात है। चलिए सर, जय सिया राम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर। जय भवानी, जय जय भवानी, जय सिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। After a very long time, Mr. Sanjay Rakur, and Mr. Sanjay Rakur is very passionate about the BJP. He doesn't want to listen to anything at all which conflicts with his own particular worldview, which is fine. I mean, absolutely fine. I mean, I've heard that from just about every party. Now, at the moment with us, our very old friend, Nazir Hussain.